हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपके साथ एक और DIY क्राफ्ट यूज़ शेयर कर रही हूँ। हमारे पास इस तरीके के बैग आते हैं, जैसे शॉपिंग बैग वगैरह, तो इनसे मैं आपको एक फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ। देखिए मोटा कागज़ होता है ना, तो इससे अच्छा बनता है। तो इस तरीके से ये बैग है पूरा, इसको मैं दो हिस्सों में कट कर लूँगी, आगे और पीछे का हिस्सा इसका अलग कर लूँगी। देखिए मैंने इन दोनों को इस तरीके से इतने टुकड़ों में दो पीस जो निकाल लिए अलग, और इसको मैं यू शेप में इस तरीके से यहाँ से यू शेप में काट लूँगी। नीचे से ऊपर से तो सीधा ही रहना है, और ये देखिए इस तरीके से यू शेप दे दूँगी इसको नीचे से दोनों को। दूसरे वाले को भी इसी तरीके से यू शेप में काट देना है। देखिए ये भी यू शेप में दोनों कट गए हैं। अब इनको हमने, आपको याद होगा बचपन में हम पंखा बनाते थे, उसी तरीके से हमने इन दोनों का पंखा बनाना है मोड़ते हुए। इस तरीके से मोड़ेंगे एक बार इधर और एक बार इधर, और इसका जो है पंखा बना देंगे पूरे उसको। तो ये एक फ्लावर की शेप आ जाएगी इसमें। चलिए मैं आपको दोनों का इस तरीके से पंखा बना के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसको फ्लावर की शेप दे दी पंखा बनाकर। इस तरीके से हमने पंखा बनाया, पहले बन गया ना ये, जैसे हम बचपन में आपको याद होगा ऐसे बनाते थे मोड़ तोड़ के। और फिर इसको हमने सेंटर में से कट करना है। अभी दूसरे को भी बना के दिखाऊँगी, और फिर इसको इस तरीके से चिपका देंगे आपस में, और ये इतना इस तरीके से फ्लावर की शेप ले लेगा। तो चलिए अभी मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ। और इसको मैंने ये झाड़ू की तिल्ली ली है डंडी, तो वो इसके सेंटर में लगाकर इसको आपको एक फ्लावर शेप बनाकर दिखाती हूँ। देखिए दोनों मैंने बना लिए ना, तो इसको बीच में से इस तरीके से यहाँ से कट कर देंगे। तो कट करके दिखाते, कैंची नहीं चल रही, बहुत मोटा हुआ ये गत्ता। देखिए यहाँ से पहले किनारे से मैंने फेविक्विक से चिपका लिया है, और नीचे से भी, और जो ये हिस्सा बचा और इसमें झाड़ू का तीला भी चिपका लिया सेंटर में, और इसे पकड़ के हम इस तरीके से यहाँ से कलावे से मैं इसको रैप कर दूँगी। आप कोई फैंसी लेस भी ले सकते हैं, धागा भी ले सकते हैं, डोरी भी ले सकते हैं, चिपका भी सकते हैं, पर मैं चिपकाऊँगी नहीं, मैं कलावे से इसको इस तरीके से देखिए रैप कर दूँगी अच्छे से, ताकि ये इसमें फिक्स हो जाए डंडी और निकले ना अच्छे से मजबूती से। तरीके से यहाँ से अच्छे से एक पंखे के शेप में मैं इसको बना लूँगी, और इसे अच्छे से रैप करके आपको दिखाती हूँ दोनों। देखिए इस तरीके से मैंने पंखे बना लिए ना। अब इनको फ्लावर की शेप या फिर लीफ की शेप कैसे देनी है, हमने लीफ की शेप है, सॉरी फ्लावर कह रही हूँ, जैसे प्लांट के लीफ होते हैं ना। अब जो ये चीज़ बनी हुई ना, इसको सेंटर में से हम कट मारेंगे यहाँ पर। सेंटर से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से कट मार रही हूँ इसमें। देखिए मैं, देखिए पहले मैंने सेंटर से पकड़ के थोड़ा थोड़ा कट लगाया है बीच में से इधर से, और अब हम उल्टी तरफ से पकड़ के इस तरीके से यहाँ से कट लगाएंगे, ताकि ये पाम लीफ की शेप जो है इसमें आ जाए कोना पकड़। ये देखिए इस तरीके से कटिंग करते चले जाएंगे, और जो पाम लीफ की शेप है आ जाएगी। ये
इस तरीके से पाम लिप की शेप जो है आ जाएगी। चलिए मैं आपको पूरा कट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने कटिंग कर दी है ना, और देखिए बिल्कुल लग रही है ना पाम लीफ, जिस तरीके से हम पाम लीफ पाम वाला पौधा लेके आते हैं उसमें इस तरीके की लीफ होती है। तो अभी मैं इसमें ना, वैसे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो मैं इसमें गोल्डन कलर अभी आपको करके दिखाऊँगी, भी देखती हूँ है कि नहीं मेरे पास इस तरीके से। और कोई भी कलर आप इसमें कर सकते हैं, ऑरेंज येल्लो कोई भी कलर करके। देखिए दोनों मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है, देखिए इस तरीके से लग रही है। और इस तरीके की बॉटल में डालकर आप इसे स्टडी टेबल पर सजा सकते हैं। और थोड़ी ना मजबूत डंडी लगाइएगा, डंडी थोड़ी सी हिल रही है ये वाली, तो इसको भी मैं कोई इसके ऊपर धागा वगैरह लपेट के इसको थोड़ा मजबूत करती हूँ, और फिर आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, ये वेस्ट कार्डबोर्ड या फिर पेपर होता है ना जो बच्चों के हम कवर चढ़ाते हैं जिसपे, वो उससे भी वो तो पतला होता है, थोड़ा मोटा पेपर लें आप। और देखिए इस तरीके से पंखा चल रहा है ना, तो ये हिल रही है, और मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। तो इस तरीके के क्राफ्ट बनाकर हम अपने घर को सजा सकते हैं, बच्चों के स्टडी टेबल पे, ऑफिस वगैरह में, और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होते। और मार्केट में आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, इस तरीके की जो है बनी हुई शेप में। आर्टिफिशियल तो मिल जाते हैं पर इस तरीके से नहीं मिलेगी, और हम संतुष्ट भी हो जाते हैं कि हमने कुछ बनाया है। तो चलिए अभी आपको मैं इसको डेकोरेट करके भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें ग्रीन कलर कर दिया है, और मैंने जो झाड़ू के तीले भी लगाए थे ना, और उसके ऊपर मैंने जूट ड्रॉप बांध दी थी, देखिए पास से दिखा रही हूँ, उसके ऊपर भी मैंने ग्रीन कलर कर दिया था, और पूरा मैंने ये ग्रीन कलर कर दिया था। और मेरे पास ये सॉप डिस्पेंसर की एक बॉटल पड़ी हुई थी, और ये भी टूट गई थी बीच में से बिल्कुल, तो इसको भी मैंने पूरा फेविक क्विक से दोबारा से इसको जोड़ा हुआ है, पता नहीं चल रहा, तो संभाल कर रखा हुआ था, तो इस क्राफ्ट के काम ये आ गई बॉटल। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, तो बताइएगा आपको कैसा लगा। देखिए हमारा जो फ्लावर पॉट है बनकर बिल्कुल रेडी है, और देखिए मैंने इनमें ना ग्रीन कलर कर दिया था, और आप बताइएगा ये नेचुरल लग रहे हैं या नहीं। मुझे तो ये नेचुरल लग रहे हैं, देखिए मैंने नेचुरल कलर ही कर दिया है जो पाम ट्री में होता है। और अरेका पाम तो आपको पता है कई तरीके के होते हैं, इस तरीके का भी एक मैं लेकर भी आई थी, और ऊपर भी लगा हुआ हमारे, तो मुझे तो ये बिल्कुल नेचुरल लीफ लग रहे हैं। तो आप भी बताइएगा कि आपको मेरा ये क्राफ्ट कैसा लगा। तो आप भी जो वेस्ट पेपर पड़ा होता है ना घर में, तो उसका यूज़ करके इस तरीके का क्राफ्ट या गुलदस्ता बना सकते हैं। और त्यौहार तो आ ही रहे हैं दोस्तों, और मुझे तो त्यौहारों में अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों से सजाना घर जो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये क्राफ्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बाय।